एक मिनट, ये आदमी ये फोटो मैच भी नहीं कर रहा, आप लोग कैसे ले लिए सर? हाँ पहचान, मेरा वोट कैसे गिर गया जब हम आए अभी? तो आपका कार लेके फोन आया, आईडी कहाँ था ये बता। निगम चुनाव में दरभंगा के वार्ड 30 में एक गजब का मामला सामने निकल कर आया है। जीवन का पहला वोट देने के लिए उत्सुक अजीजुल इस्लाम जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो पता चला कि उनका वोट तो गिर चुका है। फिर क्या था, सारा उत्साह आक्रोश में बदल गया और जमकर हो हल्ला मचा। मामला बढ़ता देख चुनाव अधिकारी को भी सूचना दी गई, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मिल रहा है उसमें ना, मिल रहा है इसमें बुजुर्ग आदमी का, आपको दिखा देते बुजुर्ग से आप पहचान पर नाम जरूर ना। ये कैसे हो गया वोट भाई? पोलिंग एजेंट बोलेगा तभी ना होगा। अरे अभी आप वोट नहीं लगते हैं क्या? नहीं वोट के नाम में ये आदमी ये फोटो मैच भी नहीं कर रहा, आप लोग कैसे ले लिए सर? हाँ पहचान, मेरा वोट कैसे गिर गया जब हम आए अभी? तो आपका आपका कार लेके फोन, आईडी कहाँ था ये बताइए। मेरा आईडी मेरे पास है, तस्वीर जिसका फोटो क्लिक किया गया वो तो दूसरा रिसीविंग आपका। हाँ वो रिसीविंग हमको नहीं मिला है। रिसीविंग लेके आते हैं ना? रिसीविंग छोड़िए ना सर, मेरा रिसीविंग लेके ना आएगा। रिसीविंग मेरा गायब है। रिसीविंग मेरा गायब तो लाया ना कोई आपका, कौन लाया रिसीविंग? तस्वीर मैच कर रहा है, देखिए तो कौन आदमी है, फोटो मैच नहीं कर रहा, वो कौन है वो? अरे भाई फोटो मैच नहीं कर रहा, इसमें फोटो क्लियर रहता है ये बताइए। एकदम क्लियर है, देखिए ना इसमें ना क्लियर है, बिना आईडी का यहाँ कौन आदमी आके कौन ये आके इन लोग ने जाने में पूछा। ये आप बताइएगा ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो लोग बोला तभी ना हम लोग किए है। ओके आईडी लेके कौन बोल रहा है? मेरा आईडी कार्ड कैसे निकाल के लेके आ गया? साइन दिखलाइए जरा, मेरा 2451 दिखलाइए। फोटो वेरिफिकेशन हो ही रहा है ना, तब क्या दिक्कत है? कहाँ है तो मैं, हम कहाँ है, हम तो यहाँ आए हैं। रुकिए ना सब दिखा दे, कौन गया के गया फिर मेरा 2451 आपका पर्ची लेके आया है, आप बिना पर्ची गए थे आपका। क्या हुआ, क्या है माजरा बताइए। पहली बार आज हम वोट कास्ट करने के लिए गए थे अपना, और जब हम वहाँ पे वोटिंग बूथ पे पहुँचे हैं तो पता चला हमको कि मेरा वोट जो है वो पहले कास्ट हो चुका है। और जब हम वहाँ पे उनसे पूछे हैं कास्ट मतलब दिया जा चुका है, वोट मेरा गिराया जा चुका है, तो हम उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं तो वो हमसे मेरा पर्ची मांगने लगे जो छोटा सा वार्ड काउंसिलर के थ्रू बटता है, तो वो मेरे पास नहीं था। तो हम बोले कि मेरे पास नहीं है ये, तो फिर वो कहते हैं आपका वोट तो डाल चुका है, आप पहले डाल के जा चुके हैं। तो हम उनसे पूछे कि हम दोबारा आए हैं क्या यहाँ पे, और जब हम उसका चेहरा भी मिला है कि किसने पहले कास्ट किया है मेरे बिहाफ में वोट, तो देख रहे हैं वो कोई और लड़का है और फेस भी मैच नहीं कर रहा है और साइन भी मैच नहीं कर रहा है, फिर भी उन्होंने मेरे बदले किसी और का वोट गिरवा दिया। किस बूथ पे गए हुए थे आप? बूथ नंबर 3 है ये, वार्ड नंबर 30 का। अच्छा, वहाँ पे उन लोगों ने क्या कुछ कहा इस बारे में कि है ना आप फिर से वोट गिराइए या क्या कुछ? हाँ, वहाँ पे मेरी बात हुई इलेक्शन कमिश्नर से कॉल पे, तो उन्होंने कहा कि आप बैलेट पेपर के थ्रू वोट जो है सो अपना दे सकते हैं, लेकिन फिर उन लोगों ने मना कर दिया वहाँ पे, सो लेने नहीं दिया। फिर हम वापस आ गए घर और इसका वीडियो भी हम कैप्चर किए हैं अपने फ़ोन में, जो भी बात हुई है मेरे और उनके बीच में। क्या नाम हुआ आपका? अजीजुल इस्लाम। कहाँ के रहने वाले? राजटोली भी। 11 बजे के। तो पहली बार जो आप दोबारा वोट देने कहाँ चले गए आप, मतलब समझ में नहीं आया, पहला बार वोट दे रहे हैं और वो भी डबल दे रहे हैं, ये तो गलत बात है ना? नहीं नहीं, हम दोबारा वोट करने के लिए नहीं गए थे, हम पहली दफा ही गए थे वहाँ पे, लेकिन जब हम वहाँ पे जाके चेक किए तो पता चल रहा है कि मेरे बिहाफ में कोई और इंसान जो है वोट डाल चुका है। खुशी था मन में शुरू में? थोड़ा एक्साइटमेंट था कि पहली बार देखें क्या होता है, वोटिंग कैसे किया, वोट कैसे किया जाता है, लेकिन जब वहाँ पे जाके देख रहे हैं तो माजरा ही अलग है। यहाँ पर तो पूरा फर्जी चल रहा है, गांधी चल रहा है। पहली बार में ही वंचित रह गए आप?